रायबरेली में लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। दिनेश प्रताप सिंह इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद रह चुकी सोनिया गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। एमपी न्यूज के लिए राहुल कुमार की रिपोर्ट। मेरे लिए गर्व और गौरव का क्षण है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिनेश प्रताप सिंह पर इस बार इस रूप में विश्वास किया है, इन परिस्थितियों में विश्वास किया है। मैं भरोसा दिलाता हूं नेतृत्व को कि मर जाऊंगा लेकिन इस विश्वास को कभी खोने नहीं दूंगा। धन्यवाद।